भाजपा ने शनिवार को जनपद हापुड़ की तीनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। हापुड़ विधानसभा सीट से विजयपाल आरती, धोलाना से धर्मेश तोमर और गढ़ से हरेंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। सभी की परीक्षा शुरू हो गई है। 10 फरवरी को होने वाली इस अग्नि परीक्षा के लिए प्रत्याशियों ने अपना दमखम भरना शुरू कर दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश राणा के नेतृत्व में प्रीति विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित एक बैठक में दावा किया गया कि पार्टी एक बार फिर 325 सीटों का आंकड़ा छूकर सत्ता में आएगी। हमको हर हाल में अपने माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री देखना है और 325 का आंकड़ा पुनः छूना है। किसी भी स्थिति में कोई अनुशासनहीनता किसी पदाधिकारी द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही गढ़ से भाजपा के प्रत्याशी हरेंद्र चौधरी ने कहा कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। अभी तो गठबंधन से कोई उम्मीदवार आया ही नहीं है और आएगा भी तो कोई सामने चुनौती नहीं होगी मेरे सामने। धोलाना से प्रत्याशी धर्मेश तोमर ने कहा कि उनके साथ माइनॉरिटी की 30,000 से ज्यादा वोटे हैं। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विधानसभा हैं और भाजपा प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा मुस्लिम यदि कहीं माइनॉरिटी वोट करेगी तो निश्चित रूप से धोलाना पे करेगी और हम 30,000 वोट से ज्यादा माइनॉरिटी की वोट लेंगे और हो सकता है माइनॉरिटी में किसी प्रत्याशी से भी कम ना रहे, हम इतने ज्यादा वोट उन बूथों से लेंगे और केवल माइनॉरिटी की वोट है। इस दौरान भाजपा के हापुड़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी और मौजूदा विधायक विजयपाल आरती ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और दूसरी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। चार के ऊपर एक विधायक, चार के रहे हैं गजरा सिंह। इतने विकास कार्य 5 साल में योगी जी की सरकार में हुए, 60 साल में कभी भी इतने विकास कार्य के काम नहीं हुए। आपको मैंने पहले भी बताया है कि बहुत लंबे समय से 2 विधायक की मांग चल रही थी, हापुड़ शहर के लिए स्टेडियम की मांग चल रही थी। हापुड़ में भूख में रहे विधायक मगर जनता के हित के लिए 4 फेरे रहे विधायक, इन्होंने कभी काम नहीं करा। 5 साल सरकार को गए हैं, 2 साल बीमारी में भी गए हैं, 3 साल काम करने का मौका मिला। अगर जो हम 2 साल बीमारी को भी लगावें तो 5 साल का मौका मिला। 5 साल में हम 2 विधान ले लिया है, 1 स्टेडियम भी आए, अनेकों काम हमारी सरकार ने करे हैं। पहले गड्ढा मुक्ति होगी थी, आज देखो कि पक्के दाग से अगर तो आप जाओगे तो धनौरा बजनपुर खड़पड़ जैसा बुरहानपुर 5 किलोमीटर बुरहानपुर पहुंच जाओगे। एक घंटा लगता था और जैसी सर्दी का मौसम चलता है तो आएगी